कस्तूरी कॉटन एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड परभनी के डायरेक्टर पद्माकर कंदी से commoditiescontrol.com ने इस साल महाराष्ट्र खासकर परभनी एरिया में कॉटन के उत्पादन, आने वाले दिनों में प्राइस मूवमेंट और एक्सपोर्टर्स की मांग एवं जीनर्स के मार्जिन पर बातचीत की। पद्माकर जी, यह बताइए कि इस साल महाराष्ट्र में और परभनी एरिया में कॉटन कितना पैदा होने का अनुमान है? इस साल महाराष्ट्र में अनुमान ऐसा लगता है कि 65 से 70 लाख बेल्स महाराष्ट्र में पैदा हो जाएंगे, क्योंकि इस साल में एरिया वैसे घट गया है, मजूरी लोगों को मजूरी और जो फर्टिलाइज़र के जो रेट है उसमें उनको ज़्यादा खर्चा लग रहा है, इसलिए कपास के एरिया कम करके उन्होंने सोयाबीन की तरफ मुड़ गए। बहुत सी कल्टिवेटर, उनका कहना है कि भी सोयाबीन से हमारे को ज़्यादा उत्पादन मिलता है, कपास से उतना मिल नहीं सकता, इसलिए ये साल में गई साल जो 90 लाख बेल्स हो गई थी तो ये साल 65 या 70 इसके बीच के रेंज में कपास का उत्पादन हो जाएगा। वैसा परभणी में हमारे 4 लाख एक हेक्टर में कपास की बिजवाई होती थी, लेकिन ये साल हमारी परभणी एरिया में 1,95,000 हेक्टर की बिजवाई हो गई। इसका मतलब है कि लोग कल्टिवेटर इसे मुड़कर दूसरे क्रॉप की तरफ चले गए। जी, परभणी एरिया में जो कॉटन पैदा हुई है इस बार, उसकी क्वालिटी और माइक की क्या स्थिति है? इस बार क्वालिटी में थोड़ी लो क्वालिटी हो गई है, क्योंकि यहाँ इसके ऊपर लाल्या रोग बोल के उसका अटैक आए वाला है, ये वो भी आ गया 15 अक्टूबर के बाद में, उसके ऊपर वो अटैक गिर गया, क्योंकि उसके बीच में बारिश होने से उसके ऊपर लाल्या रोग का अटैक गिर गया। वो अटैक की वजह से पौधा कमज़ोर हो गया, वो कमज़ोर होने से उसमें का जो रेशो, उसके जो रेशे रहते वो रेशो कमज़ोर हो गए, और उसमें माइक का परसेंटेज भी कम हो गया। माइक 6-7 का माइक आता था, ये साल हमारे पास वो माइक 3.2, 3.3 मैक्सिमम 3.6 तक ही चल रहा है, और क्वालिटी भी थोड़ी वैसी फेयर नहीं है। ये कॉटन में क्या इस समय एक्सपोर्टर्स की डिमांड देखी जा रही है? नहीं, ये साल एक्सपोर्टर की डिमांड नहीं है, एक्सपोर्टर ऐसा रुक रुक के ले रहे, क्योंकि उनको आगे इंटरनेशनल मार्केट में जाने के वास्ते उनको भी पूरा नहीं, उनको भी खर्चा जोड़ के लगाए तो उनको पड़तल नहीं लग रही हो जाने के वास्ते। ये आपने कहा कि आपके परभणी एरिया में इस बार कॉटन की बिजाई बहुत कम हुई है, तो जो यहाँ जीनिंग मिले हैं उन्हें अपनी मिलें चलाने के लिए किस तरह से कॉटन जुटाना पड़ रहा है? नहीं, बहुत मुश्किल से कॉटन अरावलीज कम है। वैसी हमारे परभणी एरिया में दिसंबर महीने में 350 से 400 गाड़ियाँ की आवक रहती थी, बोलते व्हीकल्स की, लेकिन ये साल में 125 से 130 वाहन की आवक है। इसका मतलब है कि 50% से ही कम अरावल है, इसलिए जीनिंग वाले को माल जुटाने को, लेबर का खर्चा निकालने को, लेबर टिक के रहने के वास्ते उनको भाव ज़्यादा बढ़ा के देना पड़ रहा है, उनकी जो मार्जिन मनी है, मार्जिन जो प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो छोड़ देना पड़ रहा, वो उसमें मार्जिन बिल्कुल निगलिजिबल रह गया, मार्जिन ही नहीं रहेगा जी। तो जिनर्स का जो मार्जिन इफेक्ट हुआ है वो कैसे सही हो सकता? अब सही हो सकता है, अरेवल नहीं रहने से सब लोग का कंपटीशन कर रहे हैं कि अपना जिन एक दिन तो भी चलना, हफ्ते में 5 दिन तो भी चलना, एक शिफ्ट तो भी चलना, इसकी वजह से वो जुटा रहे माल, और वो अरेवल नहीं रहने से माल नहीं मिल रहा जी। और तो ये जनवरी के बाद अगर हम बात करें और सीजन के अंत तक कॉटन के दामों में किस तरह का मूवमेंट देखने को मिलेगा? हाँ, अभी जरा कॉटन का प्राइस भी 4,600 से 700 तक है, 500 से 700 तक है, लेकिन जनवरी में लोगों का ऐसा ट्रेंड दिख रहा कि वह अधिवेशन है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में अधिवेशन में कुछ तो भी रेट की ये हो जाएंगी, बढ़ोतरी हो जाएंगी, या सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ तो भी सपोर्ट प्राइस बढ़ा देगा, उसके वजह से हमारे को बाद में दिसंबर के बाद में अच्छा ये मिल जाएगा, रेट मिल जाएगा, उसके बाद उससे भी लोगों ने जो उसकी जिसके पास कपास है जो रोक सकते हैं उन्होंने रोक के रखे पहले। ये आपके एरिया में किस तरह CCI की बाइंग देखने को मिल रही है? हमारे परभणी और इधर के एरिया में तो CCI की बाइंग नहीं है, क्योंकि उनको सपोर्ट प्राइस पे लेने के वास्ते गवर्नमेंट का ज़्यादा ये है, तो सपोर्ट प्राइस पे माल इधर मिल ही नहीं सकता, क्योंकि सपोर्ट प्राइस 4,100 है मैक्सिमम, तो उसके ऊपर उनको माल मिल ही नहीं सकता, और व्यापारी उनको 4,600 तक भाव दे रहे, इसलिए CCI को कपास मिलना मुश्किल है। ये कॉटन सीड और कॉटन ऑयल केक की बात करें तो इसमें आने वाले दिनों में किस तरह का प्राइस मूवमेंट और मांग देखने को मिल सकती है?
कॉटन सीड में मांग अच्छी रहेगी, क्योंकि अगर क्रॉप का पोजीशन कम रहा तो कॉटन के डिमांड अच्छी रहेगी। तेल का मार्केट तो इंटरनेशनल के ऊपर डिपेंड है, लेकिन कॉटन केक का रेट अच्छा बढ़ जाएगा जी। आपने commoditiescontrol.com से बात की, इसके लिए धन्यवाद।